सो गाइस अभी हम चला रहे RC 125। यार मतलब का पता नहीं यार, जब भी बाहर निकलता हूँ तब कोई अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिल जाती है। तो लेट्स गो। सो ये भी गो। वाह यार मतलब इतनी स्मूथ। हाँ थोड़ा पावर का मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है 125 में। कैसे मतलब यार KTM चला रहा हूँ यार, बहुत ही मजा आ रहा है। सो गाइज इन भैया की गाड़ी थी तो इन भैया ने हमें दे दी। मतलब मैं इन्हें नहीं जानता, कोई नहीं जानता, मतलब ऐसे मतलब देखो गांव में रहने का ये फ़ायदा होता है कि इन्हें का भरोसा होता है सब पे, है ना दादा। तो हमें दा भैया मिल गए, उनकी गाड़ी यहाँ पर वॉश करी, देखो वॉशिंग सेंटर है पीछे, देखो क्या चमक रही है गाड़ी। तो मैं अभी आपको थोड़े सिनेमेटिक्स दिखाऊंगा। तो थैंक यू और भैया उन्होंने हमें गाड़ी दी एक राइड करने के लिए। सो भैया वेरी वेरी थैंक यू। तो गाइस अभी वो भैया जा चुके हैं और तो उन भैया ने उन्हें उनकी RC दी हमें चलाने के लिए। और भारत का भी मन हो गया क्योंकि कल R15 चलाई, लेकिन कल मेरे दोस्त के पास RC है ना, तो वो अवेलेबल नहीं थी। और आज भी नगर को गई वो RC, तो इन भैया की अभी मिल गई और उन भैया ने हमें दी राइड करने के लिए। बहुत मज़ा आया, मैंने तो बहुत दूर तक राइड किया। और BS4 होने के कारण इतना ज़्यादा मतलब उसका एग्जॉस्ट का साउंड प्यारा आ रहा था ना, ऐसा फट 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 ट्र ऐसा आवाज़ आ रहा था, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया गाइज। सो अभी हम हमारी राइड कंटिन्यू करते हैं। अभी भारत चलाएगा, हाईवे तक भारत चलाएगा, हाईवे से थोड़ा आगे तक भारत चलाएगा, फिर मैं बैठूंगा चलाने के लिए। क्या प्यारा नजर आ रहा है यार, एक नंबर यार देखो। तो अभी वहाँ पर अराउंड आधा घंटा पौने घंटा वहाँ पर चला गया आरसी चलाने में बात कर रहा था थोड़ा उस भैया से। तो अभी देखो थोड़ा धूप भी आ गई है, देखो सन वहाँ पे डायरेक्टली आ रहा है। तो मतलब इतना भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना भी हार्श लाइट कंडीशन नहीं है। ओके और अभी हम राइड का मजा लेते हैं। सो अभी देखो गाइस सब सुनसान है यहाँ पर, हम अभी घोड़ेगांव में, ये देखो सभी सुनसान है। और मैं जब यहाँ पर आता हूँ ना इस रोड पे मतलब नगर को जाने के लिए, वो पापा या मम्मी साथ में होते, मतलब घर का कोई बड़ा साथ में होता है। और इस बार तो पहली बार ही मतलब दोस्त के साथ आ रहा हूँ। No stopping us. Fly without boarding pass.
Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Even get to bronze. So guys, देखो Altroz का टॉप मॉडल अभी नई ली है. देखो उन्होंने आरपी उस पे चल. So guys, right now we are in Vadodara. So अभी मैं बैठा हूँ ride करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए. और अभी हम चलाते हैं. अभी तक तो भारत ने चलाई बहुत अच्छे से. अभी मैं चलाता हूँ. तो यूजुअली क्या है ना गाइस, मैं इतनी भी फास्ट नहीं चलाता, गाड़ी धीरे ही चलाता हूँ. आपने मुझे भेंडा में भी देखा होगा गाड़ी चलाते समय, मैं मतलब ऐसे ही धीरे धीरे ही चलाता हूँ. तो क्योंकि अभी हाईवे है तो थोड़ा सा आरपीएम खोलने में कुछ दिक्कत नहीं होगी. तो अभी गाड़ी चौथे गियर में और अभी 60 क्रॉस कर चुकी है. तो नाउ वी आर इन नेवासा फाटा. यहाँ से नेवासा मतलब ज्ञानेश्वर माउली का एक पुण्य पावन प्लेस है. यहाँ से नेवासा करके वहाँ पर ज्ञानेश्वर महाराज ने, वहाँ पे ज्ञानेश्वर माउली ने ज्ञानेश्वरी करके एक ग्रंथ लिखा था. सो यहाँ पे इसे नेवासा फाटा बोलते हैं.
तो अभी हम वहाँ पर यहाँ पर है और अराउंड हमें 2-2.5 घंटे हो गए राइड करके घर से निकले हुए, है ना, 3 घंटे हो गए लगभग। और अभी हमने 70 किलोमीटर का रास्ता क्रॉस किया है, तो मतलब अभी इतना तो ठीक है, मतलब हम नए नए कर रहे तो ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। तो अभी स्टार्टिंग में पहली बार में 70 किलोमीटर्स ओके, और अभी हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे, यहाँ से भी हम हमारे गांव के गांव को जा सकते हैं। तो और अभी भी मैं राइड करने वाला हूँ। अनदर अल्ट्रास गाइस, अभी यहाँ से भी धीरे ही चलने वाला हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा रोड नहीं है यहाँ पे। यहाँ से राइट टर्न लेते हैं, और कल मैंने जो भारत से इंट्रो करवाया था आपको वो यहाँ पर ही किया था। तो देखो भाई, हम यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, आपने वहाँ पे देखा वो बड़ी सी व्हाइट बिल्डिंग, वो यही है, एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं। सो अभी सब जगह ले लिए और वीडियो निकलते समय बहुत लोग देख रहे हैं मुझे, मुड़ मुड़ के बोल रहे हैं क्या कर रहा है ना भारत। हाँ पता ही नहीं, मतलब इस गाँव मतलब यहाँ पर व्लॉगिंग क्या है उसको मालूम ही नहीं है ना, सिर्फ देखते रहते। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे। सो गाइस फाइनली पहुँच गए, और ट्राइपॉड की तो हालत ही ख़राब हो गई, ये देखो कितना ज़्यादा ढीला हो गया, ये देखो कितना ढीला हो गया, सब शेक कर रहा है। और मतलब पूरे राइड में हमने जब तो आप देखेंगे ना, तो पूरे राइड में ऐसा एक अंगूठा लगा के ही रखना पड़ता था उधर नीचे से, क्योंकि वो गिर ना जाए, क्योंकि कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि ट्रैप फ़ोन गिर गया था, लेकिन भारत ने कैसे वैसे बचा लिया फ़ोन को। सो अभी अंदर जाते हैं, पानी वगैरह पीते हैं। सो अभी 5:30 बज रहे हैं, तो अभी भारत जा रहे हैं उसके गांव। तो वो क्या है, अभी यहाँ पर रहता था लेकिन कोरोना बढ़ गया, तो इसलिए उसने उसके पापा ने उसे बुला लिया अभी। तो चलो भाई मिलते हैं अभी बाद में। चलो मिलते हैं अभी, मिलते हैं अभी लोग भाई, आराम से जाना। ओ मज़ा आया राइड में एकदम। सो अभी रात के 10 बज गए गाइस, और मैं अभी डिनर कर रहा हूँ। ये देखो छकुली ने डिनर कर लिया है, और मम्मी कर रही है वहाँ पे, तो पापा ने पहले डिनर कर लिया, कभी कभी वो पहले कर देते हैं, और कभी कभी हम साथ में बैठते डिनर करने के लिए। कल जो एक व्लॉग शूट किया था उसकी एडिटिंग चालू है अभी, पूरी नहीं हुई, तो मैं ये व्लॉग कल या परसों अपलोड कर दूंगा, और आज जो व्लॉग शूट किया है उससे कल ख़त्म कर दूंगा पूरा व्लॉग एडिट करके। सो वो भी 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा। तो आज का दिन भी बहुत भागदौड़ का रहा कल जैसा ही, आज भी जाना पड़ा बाहर राइड के लिए गया, फिर उसके आने के बाद सीधा 2 आम खाए और सीधा सो गया मैं। आधा घंटा तक ही सोया क्योंकि एक्सरसाइज के लिए जाना था ग्राउंड पे, तो ग्राउंड का मैंने शूट नहीं किया कुछ, और मतलब थोड़ा लेट गया ना, 7 बजे गया और अंधेरा भी पड़ चुका था उस 7 बजे, तो कुछ शूट नहीं किया। और मतलब जाना नहीं था, लेकिन क्या है ना, एक दिन भी हम नहीं गए ना, तो दूसरे दिन जाने का मन नहीं करता, तो इसीलिए। तो अभी चलो आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर लेते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।